સંપ્રદેશ દાદરનગર હવેલીના પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા 24 ફેબ્રુઆરી રોજ એક શામ શહીદો કે નામ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જે અંગેની વધુ વિગતો આપવા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી, જેમાં પ્રવાસન વિભાગના અધિકારી તથા નગરપાલિકાના સીઓ મોહિત મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે પહેલા કાર્યક્રમનું નામ તરંગ કવાલી રાખવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેનું નામ બદલી એક શામ શહીદો કે નામ રાખવામાં આવ્યું છે. निज़ामी बंधुओं का एक कार्यक्रम रखा था और उसके बाद जो पुलवामा में जो दुखद अटैक हुआ है सीआरपीएफ के जो जवानों के ऊपर, उसके पश्चात हम लोगों ने वैसे भी सोच लिया था कि हम इस प्रोग्राम को एक मनोरंजन प्रोग्राम के रूप में नहीं, एक देशभक्ति के प्रोग्राम के रूप में बनाएंगे. परंतु इसके नाम से लेकर कुछ लोगों में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने अब इसका नाम भी बदल दिया है और हमने इसका नाम तरंग एक शाम जवानों के नाम शहीदों के नाम करके इसको हमने बना दिया है. इस प्रोग्राम के अंदर हम देशभक्ति के गीत, हम लोगों के बीच में इन जवानों के जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर जाएंगे. कला के माध्यम से हम लोगों के बीच में देश प्रेम और देशभक्ति की जो ये लौ है उसको और जगाएंगे. वहाँ पे हम उन्हें डोनेशन देने के लिए भी प्रमोट करेंगे, प्लेज रखेंगे और उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखेंगे. इसी प्रकार से इस कार्यक्रम की रूपरेखा है और अब इसका नाम भी परिवर्तित. कार्यक्रम निज़ामी बंधु जो कि देश के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके द्वारा हो रहा है. ये 24 तारीख को, इसी आगामी 24 फरवरी को शाम को 6 बजे से रिवर फ्रंट पर जो ये कार्यक्रम चालू होगा. और इस कार्यक्रम को में आना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो इतने महान कलाकारों को देखना और साथ ही साथ में जिस मकसद के लिए कार्यक्रम हो रहा है, हमारे देश के वीर जवानों और शहीदों के अनन्य कॉन्ट्रीब्यूशन को याद करने के लिए, उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग आएँ और भारी संख्या में इस कार्यक्रम का पार्ट